पहले तो ये कहूँगी कि रिचा जब भी हम लोग कहीं आते हैं उनके फंक्शन में, हमेशा पहले ये कह देती हैं स्टेज पे आते ही कि इनको सुन सुन के हम बड़े हो गए, सबके लिए वो एक ही बात बोल देती है। सच कह रही हूँ। हाँ जी सच कह रही हूँ। थैंक यू। नहीं थैंक यू, क्योंकि दिल्ली से मैं इनको जानती हूँ और जब ये 18 साल की और ऐसे शेरनी की तरह गाती थी तब छोटे से के ना, अच्छा, और मैं सुनती थी इतनी पुड़िया गुड़िया। मैं आपको बताऊँ, हम लोग जब करते थे काम और स्टेज पे गा रही होती थी, मैं बैक स्टेज पहुँचती थी तो मैं यार ये इतनी सी आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो आज वो दिन है कि हम एक दूसरे को मतलब इस इंडस्ट्री में आके आज ऐसा प्यार बांट रहे हैं। और बचपन से मतलब लोग पागल हो जाते थे इतनी छोटी सी एज में, और आई यूज़ टू ऐसे उठाओ गोदी में, मैंने कहा हाय क्या भगवान खुश रखे। सो कितना अच्छा लग रहा है, कहाँ हैं आज ये लोग, कितना नाम आ रहे हैं हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया फैला रहे हैं, सुर फैला रहे हैं। सो ये कितनी खूबसूरत बात। बहुत शुभकामनाएं हैं ऋचा को आज के लिए जोगी देनाल के रिलीज पर। मैं जब भी इनवाइट करती हूँ मैं हमेशा आती हूँ, अगर मैं टाउन में रहूँ, क्योंकि आई रिस्पेक्ट हर अलॉट एज एन आर्टिस्ट। जब तक कि आप रिस्पेक्ट ना करेंगे तो आप शामिल होना नहीं चाहती। हाँ जी, जब भी मैं बुलाता हूँ तो आती नहीं। देखो सच बात है। नहीं नहीं, पता है क्या है हरी जी, देखिए मैं ना पहले सारा ट्विटर, सारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, आजकल सोशल मीडिया पे पहले चेक कर लेती कौन कौन बॉम्बे में है। मैं सोच समझ के डेट रखती थी, कोई ना करे ही नहीं। देख लो आप अभी ये दिमाग लड़ाओ, नेक्स्ट टाइम मैं आपको पीआर बनाऊंगा। प्लीज बनाइएगा, इनको बातों में कोई नहीं पकड़ सकता। राशिद जी thank you, ladies and gentlemen, please give it up for the finest artist of your, please give it up for Hari Haran ji. Deepak.